नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय श्रीमती सुनीता यादव के मार्गदर्शन में दिनांक 11 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन एडीआर भवन जिला न्यायालय दतिया में किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में मुख्य अतिथि दिनेश कुमार खटेक और अपर सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय दतिया द्वारा बताया गया कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद में उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष देश में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब्दुल कलाम आजाद न केवल महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया बल्कि उन्होंने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए जाने हेतु भी प्रयास किए। न्यायाधीश महोदय द्वारा जानकारी देते बताया कि भारत के सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। पीडब्ल्यूडी को आप पार्टी बना दीजिए, उसमें कलेक्टर को पार्टी बना दीजिए, इंग्लिश स्कूली शिक्षा विभाग का टाइम रखते हैं।